अड़िंग में दीनदयाल इंटर कॉलेज में रोपे गए पौधे। थाना गोवर्धन के गांव अड़िंग में दीनदयाल इंटर कॉलेज द्वारा आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सैकड़ों से अधिक पौधे सार्वजनिक स्थल व अपने विद्यालय में लगाए गए और साथ ही विद्यालय के बच्चों को शपथ दिलाई कि वो हमेशा वृक्षों की देखभाल करेंगे और कभी पेड़ों को हानि नहीं पहुँचाएंगे। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक दिनेश यादव, प्रधानाचार्य बिट्टू शर्मा, कुंज बिहारी व सभी विद्यार्थियों के साथ समस्त विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। क्या नाम है आपका? बिट्टू शर्मा। क्या प्रोग्राम रखा गया आज आपके कॉलेज में? आज हमारे दीनदयाल इंटर कॉलेज विद्यालय में जो सरकार की तरफ से कार्यक्रम चलाया जा रहा है वृक्षारोपण का, तो हमारे विद्यालय में भी आज वृक्षारोपण का कार्य हुआ है। यहाँ पर हमारे विद्यालय में लगभग 100 वृक्ष लगाए गए हैं। सभी अध्यापक बंधु और सभी बच्चों ने मिलकर के यहाँ वृक्षारोपण किया है। हम आजकल देख रहे हैं केवल वृक्षारोपण के समय पे ही लोग वहाँ जागरूक होते हैं, केवल वृक्ष लगा के जो छोड़ दिया जाता है, आगे वृक्षों में रखवाली क्यों नहीं हो पाती, क्यों वृक्ष सूख जाते हैं? पत्रकार महोदय, आप देख रहे होंगे हमारे विद्यालय में पूरी तरफ हरियाली ही है। हमारा स्टाफ, हमारे फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी और जहाँ तक मैं प्रधानाचार्य बिट्टू शर्मा और हमारे दीनदयाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक दिनेश चंद्र यादव स्वतः ही इन वृक्षों की देखरेख करते हैं। और आप अपनी वीडियो में चारों तरफ इसको घुमा करके देखें, हमारे विद्यालय में पूरी तरफ हरियाली हरियाली है। और इसी कार्यक्रम को देखते हुए हमने यहाँ 100 वृक्ष और लगवाए हैं और इनकी देखरेख हम करते रहेंगे और अपने भारत के साथ में अपने विद्यालय को भी हरा भरा करेंगे। क्या आप हाँ इस बात को मानते हो कि हर जगह यहाँ पेड़ लगाए जाते हैं, ज्यादातर पेड़ सूख जाते हैं? हाँ, ये सत्य है, क्योंकि कहीं निम्नलिखित जगहों पर पेड़ों को लगा तो दिया जाता है परंतु उनकी देखरेख नहीं होती है, उनकी सिंचाई नहीं होती है। परंतु हमारा विद्यालय इस विषय में आप सरकार को संदेश देना चाहोगे? सरकार को